युद्ध के 15वें दिन गाजा बॉर्डर पर युद्ध लगातार जारी है। इसराइल की तरफ से हमास के आतंकी ठिकानों पर यहां लगातार हमला किया जा रहा है। मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर हमास के आतंकी गाजा पट्टी में छिपे हुए हैं, क्योंकि गाजा पट्टी का इलाका है मेरे ठीक पीछे जहां पर इसराइल की वायुसेना हवाई हमले कर रही है और आतंकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है ताकि जो हमास के आतंकी इन इलाकों में छिपे हुए हैं उनको मार गिराया जाए। उनके लोकेशन को लगातार टारगेट किया जा रहा है इसराइली वायुसेना की तरफ से और ताजा हमला इस वक्त गाजा बॉर्डर से तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि युद्ध का 15वां दिन है। इसराइल और हमास के बीच यह युद्ध लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज भी युद्ध के मैदान में लगातार डटा हुआ है आप तक हर खबर पहुंचाने के लिए। मेरे ठीक पीछे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गाजा पट्टी दिखाई दे रही है और ये उत्तरी गाजा का हिस्सा है जहां पर आप ये धुआं देख पा रहे हैं निकलता हुआ। और अगर हम गाजा बॉर्डर की बात करें तो मात्र यहां से 500 मीटर की दूरी पर है जिन फेंसिंग को तोड़कर हमास के आतंकी इसराइल की सीमा में घुसे थे और अब फिलहाल इसराइल की वायुसेना कंटिन्यू यहां पर बड़े हमले कर रही है। और ये देखिए अभी एक और हमले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर इसराइल की सेना ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है। अब तक इसराइल के 1400 नागरिकों की मौत, 3500 नागरिक घायल और गाजा पट्टी में भी लगभग 4000 की संख्या में लोगों की मौत हुई है। इस युद्ध के दौरान इसराइली वायुसेना की गाड़ियां काफी तेजी से बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। जी न्यूज आपको पल पल की खबर पहुंचा रहा है क्योंकि अब तक दो जो बंधक थे उनको हमास ने छोड़ा है, वो दोनों अमेरिकी नागरिक थे और उनको रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ यहां इसराइल की सीमा में प्रवेश मिला है। और इसके साथ ही आज मिस्र के बॉर्डर को भी खोल दिया गया जो रफा क्रॉसिंग है ताकि मानवीय सहायता पहुंच सके। पहली खेप में 20 ट्रकों को इजाजत यहां पर दी गई है जिसमें दवाइयां हैं, मेडिकल उपकरण है और साथ ही खाने पीने का सामान गाजा पट्टी के उन इलाकों में भेजा गया जो कि युद्ध से ग्रसित है ताकि मानवीय सहायता लोगों तक पहुंच सके। लेकिन यहां पर इसराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन की भी पूरी तैयारी है क्योंकि हमास के सभी ठिकानों को इसराइल इस बार खत्म कर देना चाहता है। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इसराइल। Z News.